पर हम रूल नहीं तोड़ेंगे। वाह दीदी की रोड रेज होगी आपस में, रोड रेज, पर इन्होंने लड़ाई नहीं करी आपस में ज्यादा, वरना हमें कंटेंट मिल जाता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है ट्यूसडे और मैं हर ट्यूसडे को जाता हूँ हनुमान जी के मंदिर। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आज थोड़ी सी मोटो ब्लॉगिंग हो जाए तो कैसा रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज मैं मंदिर जाऊँगा, प्लस अपने हेलमेट पे माउंट लगा के अपना मोबाइल फ़ोन फिक्स कर दूंगा और थोड़ी सी मोटो ब्लॉगिंग शूट करूंगा। तो चलिए अब बाइक के लिए रेडी हो जाते हैं। अपनी एक्सेसरीज निकालता हूँ मैं अपने अलमीरा से। तो गाइस मैं कुछ इस तरह से रेडी हूँ, मैं फुल ब्लैक बन के जाऊँगा आज, क्योंकि मेरी बाइक का कलर भी ब्लैक है और मेरे ग्लव्स और मेरे हेलमेट दोनों ब्लैक हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपने ग्लव्स और अपने हेलमेट। तो गाइस ये है मेरा थोड़ा सा सारी सा सामान, ये है मेरा ब्लैक हेलमेट और साथ ही में मेरे ये हैं ग्लव्स। अलमारी बंद कर देता हूँ गाइस, अब इन्हें पहन के जल्दी से रेडी होते हैं। तो 1 2 3 गाइस मैं अब रेडी हो गया हूँ, अब मिलते हैं आपसे सीधा मेरी बाइक पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम पहली बार मिल रहे हैं मेरी बाइक पे, आज हम शूट करेंगे मोटर ब्लॉग। तो अब मैं अपने चैनल पर रोज कुछ नया लेके आता हूँ, कभी खाना बनाता हूँ, कभी सिर्फ डॉलर, और आज एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मोटर ब्लॉगिंग। तो गाइस मैं थोड़ी सी राइडिंग भी करता हूँ, मुझे राइडिंग का शौक है, और चलिए आज आपको थोड़ी सी मोटर ब्लॉगिंग दिखाते हैं, लोगों के रिएक्शन दिखाते हैं कि जब मैं अपनी बाइक लेके रोड पर जाता हूँ तो लोगों का क्या रिएक्शन आता है। अब ये है कि बस इसमें थोड़ी सी आवाज़ से दिक्कत होती है, मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी फटी फटी आए, हो सकता है आए भी ना जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बाइक चला रहा हूँ, लेकिन अभी आगे जाके मैं थोड़ी तेज़ चलाऊँगा। तो चलिए अब देखते हैं लोगों के रिएक्शन क्या होते हैं, और थोड़ी सी करते हैं मोटर ब्लॉगिंग और थोड़ी सी बाइक को रैप देते हैं अपना, थोड़ा खींचते हैं बाइक को। गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी बाइक दिखाता हूँ कि मेरी बाइक कैसी है, और हम करते थोड़ा सा शूट। उतर जाओ क्रेश। गाइस अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, ये है मेरी बाइक और ये है मेरा टीम कमरेड क्रेश। ऐसी मेरी बाइक कुछ इस तरह से दिखती है, रॉयल एनफील्ड म्यूटियोर 350। अभी मैंने से लिए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं अप्रॉक्स, और यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा यूट्यूब का प्रमोशन भी किया हुआ है, और पीछे मैंने अपना इंस्टाग्राम का प्रमोशन किया हुआ है, कुछ साइड भी मेरी बाइक का इस तरह से है। तो अब फिर से सिनेमेटिक शॉक लेते हैं बाइक के। हम कहाँ जा रहे हैं क्रिश? घूमने। घूमने मंदिर जा रहे हैं पहले हम, फिर जाएंगे घूमने, ठीक है? तो गाइस हाय क्रिश, गाइस ये मेरा टीममेट, मेरा दोस्त क्रिश, और हम दोनों मिलके जाएंगे मंदिर, ठीक है? मंदिर के बाद हम जाएंगे घूमने। रेडी है? बैग चलाएगा तू? हाँ चलाऊंगा। पक्का? सोच ले मंदिर जाना, हॉस्पिटल नहीं। क्या बात है गाइस, ऐसे अभी मैंने बाइक चलाना सिखाया नहीं है, अभी ये बस स्कूटी जानता है, मुझे पर आती है ऐसे, पर वही है ना। हाँ हाँ, पर अभी क्या है ना कि अभी जब तक थोड़ा हाथ साफ नहीं होगा, चलो अभी रख ले। अभी मैंने ग्लव्स उतार दिए क्योंकि अभी हम जब मंदिर जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने हल्का सा फोटोशूट किया था अपना, मैंने और अपना, थोड़ी हमने सिनेमेटिक शॉट लिए थे बाइक के, और थोड़ी रील्स बनाई थी इंस्टाग्राम के लिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर के लिए,
हम घर से 5 बजे निकले थे और अब 5:30 से भी ऊपर हो गए क्योंकि हमें टाइम लग गया शॉट लेने में। तो होता है ना कि एक दो फोटो अच्छी आ जाए तो लगता है और ले लो। अभी मुझे पता है घर जाके जब हम फोटोज चेक करेंगे तो लगे यार उस समय तो अच्छी लग रही थी लेकिन अब क्यों नहीं अच्छी लग रही। ऐसा ही होता है हमेशा, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। ये वही एरिया है जिसे मैंने अपना संडे ब्लॉग शूट किया दिवाली वाला, उस दिन कितना क्राउड था और कितना डेकोरेशन था, आज एकदम सिंपल सा है क्योंकि आज ट्यूसडे है, दिवाली की डेकोरेशन कर चुकी है। देखो भाई 3 बंदे जा रहे हैं बाइक पर, 3 पुलिस वाले हैं और 3 ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। इनकी वीडियो बना रहा हूँ, अभी अपडेट करता हूँ। ये देखो हम लोग अगर हेलमेट ना पहने तो इन्हें दिक्कत होती है, पर ये देखो 3 के 3 हेलमेट के बिना घूम रहे हैं। अरे यार पीछे रह गए, इस कार वाले की वजह से पीछे रह गए वो लोग। हाँ वो फिर से बच के भाग गए, पर मैंने रिकॉर्ड तो कर ही लिया है। अभी कहे तो मैं पकड़ता हूँ जाके। वीडियो पकड़ लेंगे, फोन पकड़ लेंगे हमारा। तो गाइस इन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना और 3 सवारी ट्रिपलिंग हो रही है एक ही बाइक पे। नंबर दिख ली गाड़ी का क्या है, हाँ वो सब आ रहा कैमरे में। ये देखो 3 बंदे, 3 ने हेलमेट नहीं पहना, हमारा अपना फेस तो बाहर उन्हें पता चल गया कि मैंने कैमरा लगाया हुआ है। अब तो रिवील होगा अंकल जी आप वीडियोज़ पर देखिए। हाँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वैसे तो बात की बात है पहले पब्लिक बन जाए पहले अपनी। हाँ 20 साल बच गए 2022। हाँ गाइस मेरा टारगेट है कि 2022 तक प्लीज़ आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। माना कि मैं नया छो रहा हूँ और अलग तरह के बोले के आ रहा हूँ क्योंकि मैं ना अभी सब चेक कर रहा हूँ कि मेरे में किस में अच्छी रिस्पॉन्स आ रहा है और मैं क्या अच्छे से कर पा रहा हूँ। बस यही है, अभी आप सब सपोर्ट कीजिए, मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूँगा। बाकी मेरी वीडियो शेयर कीजिए, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया करेगी। और ये भाई मैं मंदिर पहुँचने वाला हूँ और ये बहुत स्पेशल मंदिर है हनुमान जी का, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। अभी हम लेट हो गए हैं तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड मिले, हमें 1 घंटा भी लग सकता है यहाँ पे। थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो गाइस हम अपनी बाइक लगाएंगे यहाँ, इधर हम पार्किंग करेंगे। ये रहा हमारा गाइस, देखिए हम आज इतनी लंबी लाइन में लगना, 1 घंटा लग जाएगा पूरा मंदिर में हमें। ये है वो प्राचीन मंदिर और अब हम लगने जा रहे हैं लाइन में। तो गाइस अब हम मंदिर की लाइन में लगे हुए हैं, आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोगों को। मिलते मंदिर के बाद, बाय 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 बाय, मंदिर के बाद मिलेंगे। हम अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, सुबह लगभग 15 मिनट से ऊपर हो गए। A few moments later. टूर बता रहे गाइस, अब हम मंदिर से निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने हरि पर्वत पे, तो मिलते हैं आपके रोड पे। हेलो गाइस, अब हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं। मंदिर के बाद थोड़ा साउंड जा रहा है, बैक से करना वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करता है। अब हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं, और हम लोग जाएंगे उधर चाय पीने क्योंकि फिर इसकी डिमांड है कि आज थोड़ा राइडिंग करने का मन कर रहा है। तो हम थोड़ी चाय से थोड़ी दूर जाएंगे अपने घर से, तो मिलते हैं सीधा आपको चाय की टपरी पे। इतना ही पूरा रोड दिखाएंगे आप, बस ये तो जा रहा था मैं। अब थोड़ा टाइट पकड़े, थोड़ा आगे आ जा। नहीं हम रूल नहीं तोड़ेंगे, ये लड़का मुझे रूल तोड़ने के लिए बोल रहा है, पर हम रूल नहीं तोड़ेंगे। वाह दीदी की रोड रेज होगी आपस में, रोड रेज, पर इन्होंने लड़ाई नहीं करी आपस में ज़्यादा, वरना हमें कंटेंट मिल जाता, हम ज़्यादा छोड़ाते नहीं। मत मारो भैया,
मेरी बाइक जब हम निकलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। अभी मुझे लोग ऐसे देखते ना, पता नहीं क्यों रेस होने लग जाते, यानी कि मैं उनसे रेस के लिए बोल रहा हूँ। अभी तो मैंने गियर्स नहीं पहने, जब मैं जैकेट वगैरह पैंट वगैरह नी गार्ड सब पहन के निकलता हूँ तो लोग पहले पागल हो जाते हैं कि अभी रेस शुरू कर देंगे, फिर से आगे निकालेंगे। पर मैं रेस नहीं कर रहा, मैं अपना नॉर्मल चलाता हूँ। रेड लाइट है भाई, तू रेड लाइट फॉलो करना नहीं चाहता क्या? मुझे लग रहा है तू रेड लाइट फॉलो करना नहीं चाहता भाई, तू छपरी राइडर बनना चाहता है ना? तू छपरी राइडर बनना चाहता है? नहीं बनना ना, तो फिर रेड लाइट फॉलो करो, ठीक है भाई। गूगल मैप कह रहा है कि मेरी डेस्टिनेशन अभी 30 मिनट दूरी पे है, लेकिन आप लोग जानते हैं, शायद आप लोगों ने मेरी रील देखी होगी इंस्टाग्राम पे, नहीं देखी तो जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। मैं ये डिस्टेंस 12 मिनट में कवर कर दूँगा, कैसे वो भी आप देखेंगे। 1 2 3 तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चाय वाले पे, और हमने चाय भी ले ली है। क्रिश कैसी लगी यहाँ की चाय? बहुत अच्छी।